तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोल बोल अब्दुल। पोपट भाई, मैंने उनको भीड़े भाई के घर पे भेज दिया है। अरे थैंक यू अब्दुल भाई, आज बचा लिया तूने। क्या थैंक यू पोपट भाई। हाँ पोपट भाई, मैं 2-4 घंटे के लिए ना मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है? मैं आके बात करूंगा। हाँ, मैं भी नहा धो के तैयार होके लड़की वालों से मिलने ही जा रहा हूँ, चल बाय। ओके ओके। ओ, मैं भी फटाफट कुर्ता पहन के तैयार हो जाता हूँ। लोग आ गए। ए सोनू, जरा दरवाजा उगड़। नमस्ते बेटी। नमस्ते। हम लोग शादी के लिए वो बात करने के लिए आए। शादी? जी। मुझे शादी नहीं करनी है, अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है और मेरी चॉइस फिक्स है। सॉरी। अरे सोनू, देर बची थी ना अभी। हाँ। तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैंने दरवाजा खोला था, मेहमान भी आए थे, पर मैंने उन्हें वापस भेज दिया। हाँ? क्योंकि वो शादी की बात करने आए थे। हाँ तो? तो क्या बाबा, मुझे इस उम्र में शादी थोड़ी ना करनी है। अरे मुश्किल से पोपड़ा के रिश्ता आया था, तुमने उनको ही भगा दिया। पराई पोपट अंकल की शादी की बात करने वो पोपट अंकल के घर क्यों नहीं गए? अगर उनके घर में आज पेस्ट कंट्रोल लेना, इसलिए हमारे घर में मिलने का तय हुआ था। ओ अच्छा। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट। एक्चुअली मुझे पोपटल का फोन आया था कि आप लोग आने वाले, वो मेरी बेटी से थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए जरा आप चलेंगे प्लीज। चलो चलो चलो, आइए। हाँ बेटा आइए, प्लीज आइए। बैठिए। हम तो पहले कब से आ चुके थे, आपकी बेटी ने हमें पहले ही भगा दिया। सॉरी। और आशा को ये सुन के बहुत निराशा हुई। सॉरी सॉरी आशा जी। हाँ आशा मैं हूँ, ये मेरी बेटी गुनगुन। ओ अच्छा, वो एक्चुअली थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। सोनू को लगा कि उसकी शादी की बात करने आप लोग आए, उसको पता नहीं कि आप पोपड़ा से मिलने आए। हाँ वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, सॉरी। सॉरी सॉरी बेटा, हम तो ऐसे ही। अरे काफी लंबी उबासी कि नहीं? ये कहना चाह रहा है कि हम पोपड़ा जी से रिश्ता जोड़ने आए हैं। अरे भाई, मेरी बेटी को मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता मिला है, अब पोपटलाल जी के जवाब पे सब निर्भर है। अरे उसके जवाब तो आ ही होगा, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। क्या मतलब आपका? नहीं है बाबा, मैंने बोला कि हमारा परिचय नहीं हुआ ठीक से। हाँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिडे, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ये मेरी पत्नी माधवी भिडे। इससे तो आप मिल चुके हैं, सोनाली का सोन। नमस्ते। मैं सतीश। और ये मेरी पत्नी आशा। आशा। और ये मेरी बेटी गुनगुन। एक बात कहूं भिड़े जी, आपको आपकी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपकी बेटी ने तो उसके लिए रिश्ता ढूंढ ही लिया है। किसने बोला आपको? अरे भाई, आपकी बेटी ने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, मेरी चॉइस फिक्स है। अगर भाई कहते चॉइस फिक्स है मतलब काय बोलते थे, क्या क्या सुन रहा हूँ मैं? ये तुम्हारी चॉइस फिक्स है मतलब भाई, तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है ना, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? बाबा आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने उन्हें कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ाई करने की मेरी चॉइस फिक्स है। अभी वो इस बात को गलत समझे। बरोबर, 20 उम्र में पढ़ाई पहली चॉइस होनी चाहिए। सॉरी बेटा सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, अच्छा बाबा मैं क्लब हाउस जा रही हूँ। हाँ ठीक है, क्लब हाउस में पूरी टपू सेना है ना? हाँ। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। ओके बाय। वो तो बहुत उबासी आ रही है, लगता है ठीक से नींद हुई नहीं। वो क्या है ना, मेरे पापा को मेरी शादी की बहुत टेंशन है, और इसी टेंशन की वजह से ना
पापा पिछले 7 रातों से सोए नहीं है, इसीलिए थकान की वजह से ना उन्हें दिन भर उबासी आती रहती। ओ, नहीं मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी तो एक बेटी है ना, मैं समझ सकता हूँ। आप चाय पीते? हाँ। और मेहमान को पिलाते? मैं अभी लेकर आती हूँ, सॉरी। हाँ अरे बेटे जी, एक कड़क चाय पियेंगे ना तो पूरी थकावट निकल जाएगी। पापा कब आएंगे पोपटलाल जी? अरे भैया हो गया काम? अरे नहीं हुआ अभी तक। अरे भाई तुम्हारा काम आज खत्म होने वाला है या नहीं? अरे सर, उस तरफ का सब काम हो गया है, सब कुछ सेट कर दिया है, इस तरफ का बस थोड़ा बाकी रह गया। 2 मिनट दीजिए, अभी करके देता हूँ। अरे 2 मिनट के चक्कर में पता नहीं और कितने साल रुकना पड़ेगा। लड़की वाले मुझे देखने आए, मुझे अभी जाना है। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपकी जगह होता ना तो शादी के रिश्ते पे पहले ध्यान देता, लेकिन सर अब जो हो गया सो हो गया। 2 मिनट दीजिए मुझको सर, अभी सब कर देता हूँ। ऐसे काम करेगा तो हो गया कल्याण। ओ भाई ओ, एक काम करो, तुम ये मेरे हाथ में दे दो, बाकी का काम मैं कर लेता हूँ। हटो हटो हटो, जाओ। ये मेरा काम। अरे टाइम नहीं है भाई मेरे पास, अभी हो जाता है, फटाफट अभी कर दे। ये हो गया। हो गया सारा काम। वाह बहुत बढ़िया काम किया है। चलो अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट, अरे जरा बख्शीश तो लेते जा, एक काम करो ये। अरे थैंक यू सर। अरे सर दोबारा बुलाइएगा, याद कीजिएगा। अरे जरूर। सर आज आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे थैंक यू दोस्त। हे भगवान, लगता है आज आपने मेरे दिल की आवाज दिल से सुनी है। तो आज हाथ को आया मुंह न लगा वाली कहावत तो मेरे आसपास भी मत भटकने देना। आज रिश्ता पक्का करवा देना, पूरे 51 नारियल चढ़ाऊंगा। पापा अभी तक नहीं आए पोपटलाल जी। बेटा जी प्लीज एक फोन कर। हाँ मैं करता हूँ। निकल गया हूँ भेड़ा, बस पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा ओके। भागो पोपटलाल, लड़की वाले भेड़ के घर पे इंतजार कर रहे हैं। बस 2 मिनट में आ रहा है, रास्ते में ही है। पोपटलाल जी। ये लोग कौन है? कौन बनेगा करोड़पति, मैं आपको देखा है तब से मैं आपकी फैन हो गई हूँ, आपके भी और आपके इस छाते के भी। थैंक यू। अभी भी दूर से छाते के साथ आपको देखा ना तो मैं आपको तुरंत ही पहचान गई। ओ अच्छा। पोपटलाल जी, हमने आपको कौन बनेगा करोड़पति में देखा, उसके बाद इतने इम्प्रेस हो गए कि आपसे मिलने सीधे आपके घर चले आए। अरे थैंक यू, लेकिन सॉरी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। बोलिए ना। अच्छा छोड़िए, आप कहाँ कुछ बोलते हैं, मैं ही बोल देती हूँ। पोपटलाल जी, मैं हूँ पुष्पा शर्मा, ये है मेरे पति आलोक शर्मा। नमस्ते। और ये हमारी बेटी स्नेहा शर्मा। हाय। बताइए तो जल्दी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे कुछ खाइए ना। अच्छा छोड़िए, आप कहाँ कुछ बोलते हैं, मैं ही बोल देती हूँ। पोपटलाल जी, वो बात ऐसी है ना, हमें आपसे हमारी बेटी स्नेहा के शादी के सिलसिले में कुछ बात करनी है। इसका मतलब आज का राशिफल सही था, रिश्तों की बरसात शुरू हो चुकी है। बस एक बार आपसे बात हो जाए ना तो बात बन जाए। अरे वाह वाह, कौन बनेगा करोड़पति में जाके मेरी तो लॉटरी लग गई। जैसे केबीसी में हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं, मुझे भी आज रिश्ते के लिए 2 ऑप्शन मिले हैं। करोड़पति ना सही, आज पति जरूर बन जाऊंगा। अरे बाप रे,
वो लड़की वाले भी तो भिड़े के घर पे बैठे हैं। कभी आएंगे पोपटलाल जी? बेटा जी देखिए ना, मेरी बीवी आशा को फिर से निराशा हो गई। प्लीज प्लीज एक बार फोन करके पूछ लीजिए ना। हाँ भाभी एक एक चाय और हो जाए। हाँ आंटी 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 आप लोग भी लेंगे? कमल फोन काट दिया, मतलब आ ही रहा है। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे? नहीं वो बा मम्मी मुझे लग रहा है पोपटलाल जी थोड़े शर्मीले स्वभाव के। अरे वाह आप तो बिल्कुल इनके जैसे, ये भी कहाँ कुछ जल्दी बोलते हैं। बोलने दोगी तो बोलूंगा ना। देखिए अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा रहने दीजिए मैं ही बोल देती हूँ। आप यही रहते हैं ना? हाँ यही एसी विंग में है सेकंड फ्लोर पर। अब वो देखिए वो है मेरा फ्लैट, वो बालकनी है ना। तो चलिए बाकी की बातें आपके घर जाकर करते हैं। नहीं, 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 मेरा घर नहीं जा सकते अभी। वो समझ गई, अभी तो आप बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो, आम इंसानों को घर पे कहाँ ले जाओगे। चलो बेटी यहाँ बात नहीं बनने वाली है, हम घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं रुकिए रुकिए, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे घर पर अभी अभी पेस्ट कंट्रोल का काम हुआ है, तो 2-3 घंटे मेरे घर पर नहीं जा सकते। तो फिर बाद में आते हैं। चलिए बेटी। अरे अरे रुकिए रुकिए आप लोग, रुकिए तो सही। एक बात पूछूं, आप ये स्नेहा जी की शादी को लेकर इतनी जल्दी में क्यों है? लीजिए बताइए इनको। वो क्या है ना, मम्मी मेरा चट मंगनी पट ब्याह करवाना चाहती है। पंडित जी ने तेरी कुंडली देखकर साफ कहा है, अगर 10 जनवरी तक तेरी शादी ना हुई तो दूसरा मुहूर्त सीधा 2023 में है। तो इतना टाइम कौन रुकेगा, तो हर चीज में घाई तो करनी पड़ेगी। मैं तो करवा के रहूंगी तेरी चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन भिड़े के घर पे भी एक रिश्ता मेरा इंतजार कर रहा है, उनसे भी तो मिलना चाहिए। अब देखिए शादी की बात ऐसे बीच रास्ते में खड़े रहके तो नहीं कर सकते है ना। बराबर, इसीलिए हम बाद में आते हैं। अरे रुकिए ना, हम अभी बात कर लेते हैं। लेकिन कहाँ? मम्मी यहाँ कंपाउंड में खड़े खड़े बात कर लेते हैं ना। ओहो, ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा उतावली है, यही खड़े खड़े फैसला करता है इसको। मेरे लिए एक रिश्ता भीड़े के घर पे बैठा है, अब इनको कहाँ बिठाऊं? इनको हाथी भाई के घर पे बिठाता, बारी बारी दोनों से मिल लूं, समझ लूं, फिर डिसीजन लूंगा कि सुकन्या से शादी करनी। हम एक काम करते हैं, हम वो उस घर में जाके बात करते हैं। वो घर भी आपका है? मगर वहाँ तो डॉक्टर हाथी लिखा हुआ है। नहीं नहीं बराबर है, वो डॉक्टर हाथी का ही घर है, लेकिन आप उसे मेरा घर ही समझिए। क्या डॉक्टर हाथी ना मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है, भाई जैसे है, हम आराम से वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। ये बार बार फोन कट क्यों कर रहा है? पोपटलाल पता नहीं बार बार फोन कट कर रहा है वो। कहीं कौन बनेगा करोड़पति में जाके रवैया बदल तो नहीं गया ना पोपटलाल जी का, सेलिब्रिटी जो बन गए। अरे नहीं नहीं आशा जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, काम में फंस गए होंगे ना इसलिए लेट हो रहा होगा। अरे फंस गए रहेंगे तो फिर कभी आके मिल लेंगे। हाँ अभी चलते हैं, चलो। नहीं, नहीं, रुके ना वो आते ही होंगे। हाँ आप बैठे ना, आप बैठे। अरे भिड़े जी वो यही सोसाइटी में रहते हैं ना, बालकनी से आवाज देके बुला सकते हैं ना। हाँ तो आपकी बालकनी किस तरफ है? वो उस तरफ। आइए 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 ना, आइए आइए प्लीज आइए आप लोग आइए। अरे वाह 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 भगवान, किसी ने सच कहा है, आप जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, रिश्तों की लाइन लगी है आज। इनको हाथी भाई के घर पे बिठा के फिर भीड़े के घर जाता हूँ, वो पहली वाली फैमिली कब से मेरा इंतजार कर रही है। पोपटलाल जी। हाँ मैंने नहीं बुलाया। हाँ ऊपर। पोपटलाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये भगवान ये दोनों लड़की वाले आपने सामने आ गए।
मेरी खुशी पर मेरी नजर लग गई है। नमस्ते पोपटलाल जी। नमस्ते। अरे पोपटलाल जी, हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे ए, तुम वहाँ पे क्या सोचते हुए खड़े हो, चलो आओ ऊपर। हाँ आ रहा हूँ, बस दो मिनट। पोपटलाल जी जरा प्लीज जल्दी ऊपर आइए, मेरी बेटी की शादी के सिलसिले में मुझे आपसे बहुत सारी बात करने। हाँ मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग अंदर बैठे हैं, वो आता ही होगा। चल चल आइए। शादी की बात वहाँ भी चल रही है, लगता है आप बहुत बिजी है। हम लोग निकलते, आप उनसे बात कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, रुके रुके, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। वो जो अंकल अभी अंदर गए ना, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको दौरे पड़ते हैं। वो किसी को भी अपना होने वाला दामाद समझ के उससे शादी की बात करना शुरू कर देते हैं। ओ बेचारे। लेकिन वो है कौन? वो मेरा दोस्त है भिड़े, और वो जो अंदर गए वो उसके पिताजी है। मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर सिमरन, दिमाग की डॉक्टर है, उनके पापा का इलाज अच्छे से करेगी, उनको बता देती हूँ। भिड़े जी, पोपटलाल जी ने बताया कि आपके पिताजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। आए? अरे नहीं नहीं नहीं, आपको फिर से गलतफहमी हो रही है। वो जो अभी अंदर गए ना, वो इनके पिताजी नहीं है, इनकी पत्नी है माधवी भाभी, उनके पिताजी हैं, मतलब इनके ससुर जी हैं। अच्छा, तो आपके ससुर जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो आप उनको डॉक्टर सिमरन को दिखा दीजिए। अरे पहले पिता फिर ससुर का चालने का है। पोपटलाल कौन है ये लोग? मैं ऊपर आके सब समझाता हूँ, प्लीज। देखिए आप अपने ससुर जी को डॉक्टर सिमरन को दिखाइए, बहुत अच्छी डॉक्टर है। मेरी बीवी का इलाज भी उसी ने किया था। इसे देख के कोई बोलेगा कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी? हा? आज चालने का पोपटलाल सर, कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है, लगता है कोई झमेल में फंसा है। अभी चुप रहता हूँ, बाद में बात करता हूँ इससे। हाँ ठीक है, मैं दिखा दूंगा अपने पिताजी को। ससुर जी को? हाँ वही माधवी के पिताजी को, बरोबर ना। मैं पोपटलाल जी के हाथों डॉक्टर सिमरन का नंबर भिजवा दूंगी। हाँ ठीक है, पोपटलाल को भी जल्दी भिजवा दो। अरे हाँ हाँ भिजवा देंगे, आइए ना चलिए हम डॉक्टर हाथी के घर चलते हैं। हुट, हुट, हुट। दूर हट मेरे संक्राम से, उड़ जा। हुट, हुट। ये किससे बात कर रहे हैं और ये सखाराम कौन है? ये रहा। आपको भी दिख रहा है? हाँ यही तो खड़ा है। अरे हाँ सॉरी, वो क्या है, ये स्कूटर है ना, उससे बात कर रहा है। स्कूटर का नाम रखा है सखाराम। अरे पूरा गंदा कर दिया तुम्हें सखाराम कोवे ने, टेंशन मत लो, शैंपू से नहलाऊंगा तुम्हें। हाँ बोलो, स्कूटर का भी नाम रखा है, उससे बातें भी करता है। भिड़े जी अगर हो सके तो आप भी डॉक्टर सिमरन को दिखा दीजिएगा। क्यों? दिखा देगा, दिखा देगा। काश बाल बाल बच गया, पर ना भी भांडा फूट जाता। बस आपसे अब एक ही रिक्वेस्ट है कि दोनों लड़की वालों को आमने सामने मत आने देना। आइए चलिए डॉक्टर हाथी के घर चलते हैं, आइए ना, आइए 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 आइए। दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति के बाद पोपटलाल की लॉटरी लग गई, वो भी एक नहीं दो। तो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो थप्पर फाड़ के देता है। अभी पोपटलाल के लिए शादी का रिश्ता है, वो भी एक नहीं दो दो। पोपटलाल बहुत खुश है, क्यों ना हो, लेकिन अब देखना यह है कि कितनी देर उनकी खुशी टिकती है, क्योंकि एक ही समय में दोनों लड़की वालों से कैसे मिलेंगे वो। पोपटलाल ने एक एक नाव यानी दो नावों में पांव रख दिए, अब देखना यह है कि दो नावों में पांव रख के सफर कितनी दूर तक चलता है। तो अब क्या होगा पोपटलाल की जिंदगी में, कितना हंगामे होंगे ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।